नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। चिकित्सा शिक्षा में खिचड़ी तंत्र के विरोध में चिकित्सकों ने देशव्यापी कार्य का बहिष्कार। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कानपुर शाखा द्वारा पत्रकार वार्ता में बताया कि चिकित्सा शिक्षा में खिचड़ी तंत्र के विरोध में चिकित्सकों ने देशव्यापी 11 दिसंबर सुबह 6 बजे से 12 दिसंबर को सुबह 6 बजे तक कार्य का बहिष्कार किया। अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके विरोध जताया और केंद्र सरकार से आह्वान किया है कि इस मिक्सोपैथी एक्ट को तुरंत समाप्त किया जाए। किया गया है जिसमें आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट के उसमें शल्य तंत्र जोड़ा जा रहा है, जिसको वो 2 साल में पढ़ा के एमएस की डिग्री देना चाहते हैं। तो ऐसा है कि हम लोग को आयुर्वेद से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग पूरा सम्मान करते हैं आयुर्वेद विद्या का। उनको पूर्ण सम्मान मिले, सब जगह नौकरी मिले, जो सुविधाएं दी जाती जी जाए। लेकिन आप ये समझिए, एक आयुर्वेदाचार्य जो उनकी शिक्षा प्रणाली में नर्व्स और सिम्टम्स देख के दवा देते हैं वो लोग कि क्या सिम्टम है, तुम्हारी नर्व्स कितनी है, और उनको 2 साल में कोई कैसे शल्य तंत्र पढ़ा देंगे और वो लोग शल्य चिकित्सा सर्जरी करने लगेंगे, बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशन वाले ऑपरेशन जो कि मॉडर्न सर्जरी में शामिल है वो उनको सिखाए जाएंगे। आप MBBS का एक छात्र 5 साल MBBS करता है, उसके बाद हाउस जॉब करता है जिस सर्जरी में, उसके बाद 3-4 साल रेजिडेंसी करता है, MS करता है, उसके बाद भी वो पूर्ण योग्य नहीं हो पाते हैं सर्जरी करने के 10 साल बाद। इनको 2 साल में कैसे सिखाएंगे? ये लोग क्या एनेस्थीजिया देंगे? इन्हें ना एंटीबायोटिक्स का अनुभव है ना कुछ, तो कैसे सिखाएंगे? ये इस बात के हम लोग अगेंस्ट हैं कि आयुर्वेद को एलोपैथिक सर्जिकल उससे मिक्स ना किया जाए। बस जो आपने ये हड़ताल के लिए आप बैठे हुए थे को लेकर, वो कानपुर में आपको सफल होती नजर आई? हाँ, क्यों नहीं, सारी क्लिनिक बंद है यहाँ पे, खाली इमरजेंसी सर्विसेज होंगी और कोविड उसको हम नहीं रोक सकते, बिकॉज इमरजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी हड़ताल की वजह से किसी की जान चली जाए तो वो गलत है, तो इसलिए हम लोगों ने इमरजेंसी सर्विसेज अलाउ कर रखी है और कोविड पेशेंट्स की पूर्ण सहायता होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इससे सिर्फ डॉक्टर्स का नहीं, मरीजों का बहुत अनभला होने वाला है भाई। उनको गलत लोग ऑपरेट करेंगे, सेप्टिसीमिया होगा, कॉम्प्लिकेशन होंगे, भुगतान जनता करेगी, साधारण जनता जो कि अस्पतालों में जाएगी और उसका फिर ऐसे ऑपरेशन होगा। तो हम लोग इसके अगेंस्ट है कि इसको उससे मिक्स ना किया जाए, इसको अलग रखा जाए। नर्सिंग होम एसोसिएशन इसका वो विरोध किया, उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग नर्सिंग होम खोले और कई जगह डॉक्टर देख भी रहे हैं कानपुर में। नहीं, इमरजेंसी देख रहे हैं, इमरजेंसी हम लोगों ने पहले ही लिख दिया। नहीं, ओपीडी नहीं चल रहा है, ओपीडी इमरजेंसी, इमरजेंसी ओपीडी बस। मैडम, जो सामान्य ओपीडी है बहुत देखने में आया था, नवबत्ता साइड में भी खुली हुई है। सामान्य ओपीडी नहीं, देखिए ओपीडी में तो सब तरह के पेशेंट आते हैं, लेकिन जो इमरजेंसी उसको हम लोगों ने कल से ही लिख रखा है कि इमरजेंसी और कोविड सर्विसेज के लिए पूर्ण छूट है। तो इमरजेंसी से नहीं जुड़े हैं डॉक्टर, वो तो पूरी तरीके से अपनी ओपीडी चालू कर रहे हैं, सब देख रहे हैं सामान्य ओपीडी में। इमरजेंसी कोविड की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। आप अगर ऐसी कोई जानकारी लेके जाएं तो वो देख लेंगे हम लोग, लेकिन पता नहीं वो डॉक्टर भी है या BAMS के डॉक्टर हैं, ये भी आप समझिए। हो सकता है वो MBBS डॉक्टर ना हो, वो ज्यादा करके डॉक्टर्स यहाँ बाहर जो पेरिफेरी में वो सब BAMS उस टाइप वाले हैं, तो उनको खोलने दीजिए, वो हमारे साथ थोड़ी जुड़े हैं। इसमें तो जो एलोपैथिक स्पेशलिस्ट ग्रुप के डॉक्टर है वो जुड़े हैं सारे, और IMA के ग्रुप मेंबर्स हैं, तो उसको हम थोड़ी तोड़ेंगे उन लोगों को। मैम, आगे क्या रणनीति होगी जैसे आज के बाद अगर सरकार इस पे ना मानी? देखिए, अगर सरकार नहीं मानी तो ये पूरे देश भर में देशव्यापी हड़ताल है, पूरे देश में हड़ताल है, तो इसमें फिर सेंट्रल हमारे IMA के और UP चैप्टर के लोग फिर ज्ञापन देंगे और प्रधानमंत्री आयुष मंत्रालय वहां जाके मिलेंगे, उनको समझाएंगे, यही हो सकता है। YouTube पर अभी हमारे चैनल BPA न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबरों को मिस न करें व हमारे वीडियोस को लाइक करें।